फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप इस समय कॉस्मोस का पौधा लगा सकते हैं। देखिए, मेरे ये सीड से ग्रो हुए हैं, तो इस समय इस मंथ में फ्लावर्स आने लगे हैं और अभी देर भी नहीं हुई है। आप कॉस्मोस का प्लांट लगा सकते हैं जो अधिकतर महीनों में फ्लावर्स देता है और बहुत अच्छी जल्दी से इजी ग्रो हो जाता है। कॉस्मोस का ऐसा प्लांट है जो बहुत अच्छे से ग्रो होता है और उसके फ्लावर्स बहुत अच्छे से होते हैं। अगर आपका प्लांट बहुत हेल्दी है तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और इस समय अच्छा समय है, आप कॉस्मोस का पौधा लगाएं। इस समय तो मेरे ये सब प्लांट बीज से ग्रो हो गए हैं और जो इस समय फ्लावरिंग कर रहे हैं और अभी इनको एक ही महीने में ग्रो किए हुए हुआ है, इससे इनके फ्लावर्स इस समय ग्रो हो गए हैं, फ्लावर बन गए हैं। और इस समय पौधों को बीज से आप ग्रो कर सकते हैं। कॉस्मोस ऐसा प्लांट है जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है इस समय और जाड़े के बाद भी फ्लावरिंग करता रहता है। तो ये कॉस्मोस का पौधा बहुत ही अच्छा प्लांट है फ्लावर्स के लिए। इनको फ्लावर्स बहुत पसंद हैं, वो ये वाला प्लांट ज़रूर लगा सकते हैं और इनके फ्लावर्स बहुत अच्छे से होते हैं। डबल में भी आते हैं और सिंगल में भी, ये सिंगल सा है और डबल वाला ये है। इधर देखिए, डबल वाला मैं दिखाती हूँ जिसकी पेटल डबल हैं। और ये वाला प्लांट लगा सकते हैं बीज से, ये अपने आप ही मेरे प्लांट ग्रो हो गए हैं। अगर आपके पास बीज हैं, सीड्स हैं पौधों के, तो उससे ग्रो कीजिए। नहीं तो आप इस समय नर्सरी में इनके पौध तैयार हुई मिलती है, वो आप लगा सकते हैं, जो आपके पौधे जल्दी से ग्रो हो जाएंगे और अभी से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला प्लांट आप ज़रूर लगाएं और ये इसमें केयर भी नहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत है और बहुत अच्छे से फ्लावर आते हैं। और ये इसमें दो कलर आते हैं, येलो भी आता है और ऑरेंज कलर भी आता है। डबल और सिंगल पैटर्न के फ्लावर्स आते हैं और इनकी देखरेख अच्छे से कीजिए और कम देखरेख में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और मेरे गार्डन में अपने आप ही ग्रो हो गए हैं, जिससे अभी से फ्लावरिंग करने लगे हैं। ये देखिए, और जिससे मेरा गार्डन फूलों से भर गया है और ढेर सारी इसमें कलियां आई हुई हैं। ये देखिए, और ये प्लांट देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है और इसको आपको ज़रूर लगाना चाहिए। ये कम केयर वाला प्लांट है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आपको देगा। और येलो और ऑरेंज कलर में ये फ्लावर्स आते हैं तो आपको देखने में भी बहुत अच्छा गार्डन आपका लगेगा। और इसके ये दो तरीके से ग्रो हो सकता है, ये बीज से भी ग्रो होता है और इसकी नर्सरी में पौधे तैयार हुए मिलते हैं छोटे छोटे, जो आप इस समय लाकर लगाइए जिससे जल्दी ग्रो हो जाएंगे और अभी से आपके गार्डन में ये फ्लावरिंग करने लगेंगे। और ये इनमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं ज़रूरत है और कम मेहनत में, कम फर्टिलाइज़र में, कम देखभाल में अच्छे से फूल पाइए, तो ये आप ये अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और इसमें कई भी और भी कलर आते हैं पर मेरे पास यही दो कलर है। ये गर्मियों तक अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, इसमें अच्छे अच्छे फूल आएंगे गर्मी तक। और एक बार लगा लेंगे तो उनके सीड आपके पास हमेशा बने रहेंगे, तो आप इनके सीड से भी ग्रो हो जाएंगे आपके प्लांट। और अगर आप सीड इधर उधर गिर जाते हैं आपके गार्डन में, तो उससे भी आपके प्लांट ढेर सारे बन जाएंगे, जैसे मेरे गार्डन में प्लांट बन गए हैं। ये अपने आप सीड से गिर गए थे और जो अपने आप जमाए थे, मैं इनकी एक बार पौधे लाए थे उसी से ये दोबारा इनको मुझे जमाना नहीं पड़ा और अपने आप ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। और ये नीचे प्लांट लगे हैं तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी है और
और अपने आप ही ग्रो हुए हैं और इस समय फ्लावरिंग करने लगे हैं। ये वाला प्लांट आपके लिए बहुत अच्छा है और खुशबू भी थोड़ी थोड़ी आती है इसमें। और ये वाला प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने गार्डन का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।